नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। न्यूज देखने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज अपडेट हमेशा मिलता रहे। आइए देखते हैं मुंबई से हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्टार मीडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है कांदिवली के पोईसर भाजीवाड़े में, जहां पर ये वार्ड क्रमांक 24 में यहाँ के स्थानीय नगर सेविका सुनीता यादव है। क्या कुछ लॉकडाउन के तहत उन्हें सेवाएं दिए जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, कुछ महिलाएं भी है और कुछ पुरुष भी है, तो जानते उन्हीं से। आपका नाम क्या है जी? राजेंद्र। मेरा नाम साधना पाठक है। राहुल ढगे, अमिल ढगे। मेरा नाम रूपम झा है। सोनेलाल शर्मा। रितेश पांडे। मेरा नाम लक्ष्मी मिश्रा, वार्ड क्रमांक 24 के मैं महिला अध्यक्ष हूँ। अंजू जी, ये बताएं कि लॉकडाउन के तहत आपको यहाँ के जनप्रतिनिधि ने क्या सेवा दी है? हम लोग को नहीं पता, लक्ष्मी मिश्रा ने जो हुआ है हम लोग को दिलाई। कि कहाँ से? यही मेरी गली में रहती है ना महिला अध्यक्ष। और कुछ नहीं किया है, मैं लक्ष्मी मिश्रा को क्या किए उन्होंने? कुछ अनाज दिए या पकावा? हाँ, क्या दिया? अनाज। और आप अब फीस भरनी होगी, लाइट बिल, तो क्या तो बार बार फोन आता है। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। कोई सेवा नहीं मिली है। हमारा घर अंदर बाजीवाड़ी में है। हम हरदम डरते रहते हैं कि कब आज क्या होगा, कल क्या होगा। रोज की सुबह हमको डर लगता है। कोई ना तो सैनिटाइजिंग का काम हो रहा है, ना तो बाथरूम में सफाई हो रही है। बाथरूम वाला भी भाग गया है। एक दिन आता है जिस दिन उसे पेमेंट लगी रहती है, और उसके बाद एक एक महीने गायब रहता है। हमारे बाथरूम का पूरा सत्यानाश है। हमें 24 घंटा डर लगा रहता है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। जी, हमारी तो हालत ही खस्ती हो गई है। क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम तो यहाँ रहने आए हैं कि यहाँ रहें कि भाग जाए। मेरे को तो कुछ सेवा ही नहीं मिली। संजय जी जयसवाल साहब ने जो कुछ दिया है वो मेरे लिए सब कुछ है। और किसने पहुँचाया यहाँ? आशिक सिन्हा जी ने भी मेरे को दिया है राशन, घर के लिए कुछ खर्चा पानी सब कुछ दिया है मेरे लिए। संजय जी जयसवाल साहब वो उन्होंने कर दिया है। जी, सेवा यहाँ से नहीं हम लोग को मिली हुई है। हाँ। क्योंकि अगर हम अभी नेता आते हैं तो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि वोट हमें दीजिए, वोट हमें दीजिए। अभी हम जाते हैं वहाँ पे मांगने के लिए तो हमें बोला जाता है कि भूखे मर जाओ, फांसी लगा लो। यहाँ के नेता लोग ऐसे बोल रहे हैं। ना किसी चीज़ का सुविधा है यहाँ पे, ना सैनिटाइजर आता है, ना कुछ आता है। जो हमें मिला है अशोक सिन्हा से मिला है, अतुल भास्कर जी से मिला है, बाकी यहाँ के शिव कुमार झा 23 वार्ड के हैं, सुनीता यादव 24 वार्ड की हैं। यहाँ से हमें कुछ किसी चीज़ का सुविधा नहीं मिला हुआ है। आइए तो हम मिलते कुछ यहाँ के भाजीवाड़ी के वर्कर भी हमारे साथ में, सफाई कर्मचारी, क्या कुछ कहना है जानते उनसे। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राजू। नाम क्या आपका? राजू गुड़ेकर। हाँ राजू जी, ये बताएं कि आप यहाँ सफाई करते हो तो आपको यहाँ से जनप्रतिनिधि की ओर से कुछ ग्लव्स, हैंड ग्लव्स या मास्क? हमें ग्लव्स वगैरह दिया गया है, लेकिन है ना यहाँ रहते हुए मैं काम जो वर्क जो किसने है, दिया है? किसने दिया है? हमारे यहाँ के जो मुकरदम है उन्होंने ग्लव्स वगैरह हमको दिया है ना, और जो कुछ जो बीमारी से बचने के लिए चीज़ तो हमको मिला है, लेकिन ये है कि एरिया वाले ने हमको बहुत सहयोग दिया, ये मानता हूँ मैं। लेकिन जो हमारा मुकरदम है उसका नाम अनंत नागती है, तो इसने क्या किया, हमारा एक वर्कर है उसका नाम राहुल अंबिल ढगे, तो उनको मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो ये भाई ये पिछले कोरोना के कहर से 2 महीने से काम कर रहा था, उसमें से 9 दिन वो बीमारी के कारण घर पर रहा, तो ये भाई का उन्हें 9 दिन का सैलरी काट दिया। तो देखो भाई, ये अभी हम वर्कर क्या करें। मैं भी एमसी थ्रू ये कचरा साफ सफाई काम करता हूँ, और मेरे को जो दो बात करने की थी वो मैं कह दिया, अभी आप ही देखो। मैंने तो अभी तक तो ज़्यादा ज़्यादा हमारी वो आंटी जी हैं उनके साथ हम लोग ने बहुत सेवा किया है। हर घर घर पे जाके राशन पहुँचाया है, सब जगह सेवा किया। बहुत लोग की हालत तो ऐसी जगह देखी गई है कि जिनके घर पे दो दिन खाना भी नहीं खा पा रहे लोग, ऐसी ऐसी हालत है। हमारे अतुल भास्कर जी ने बहुत मदद किया, बहुत ज़्यादा सेवा किया है, और अशोक सिन्हा जी ने भी बहुत मेहनत किया है। इन लोग ने तो समझ लो अपनी जान लगा दिया है, इतना मेहनत किया है उन्होंने। और सैनिटाइजिंग वगैरह वो तो हमेशा, अभी तो फिलहाल हर जगह हो रहे हैं, अभी तो रोज़ आ रहे हैं, रोज़ भाजीवाड़ी में हो रहे हैं, क्योंकि इतने केसेस बाजू में, भाजीवाड़ी में इतनी गंदगी आप लोग तो जानते हो, झोपड़पट्टी में एक भी जगह फैला तो फिर सब गए,
सबके सब गए। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल हर जगह रोज़ रोज़ सैनिटाइज मारा जा रहा है, हर किसी के घर के बाहर, बाथरूम में, घर के बाहर और मंदिर पे, बावड़ी के इधर, हर जगह। और बहुत अच्छी जगह भी है उधर, बहुत लोग भीड़ भी लगाते हैं, तो इससे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि इस जगह पे अशोक सिन्हा और अतुल भाटकर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, अपने भाजीवाड़ी पोईसर में। और उनसे ज़्यादा ध्यान मुझे लगता नहीं कोई दे पाता और कोई नेता होता दोस्तों। तो आपको कहीं से भी अनाज या कुछ पका हुआ भोजन? कुछ नहीं मिला, जो रोजी रोटी रखी थी उसी को निकाल निकाल खा रहे हैं। अभी आगे का सोचना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब टेंशन में। तो अभी आने वाले समय तो हम भी डिप्रेशन में जाने वाले हैं। स्कूल खुलनी है, फीस भरनी है, हम तो नहीं भेजेंगे भाई, हमारे पास उतना बजट ही नहीं है, कहाँ से स्कूल भेजे बच्चों को, कोई कोई सपोर्ट नहीं है। और स्कूल से लगातार फोन आ रहा है कि बच्चों का फीस जमा करो, ये करो वो करो, अभी बुक के लिए फोन आ रहा है, 3,000 रुपये हम लोग उसे पहले ही ले चुके हैं, हम लोग कहाँ से ला के देंगे। अच्छा, नगर सेविका आपके हालचाल पूछने पहुँची क्या? नहीं नहीं नहीं। कौन है नगर सेविका? सुनीता यादव मैडम। हाँ, तो और चुनाव के समय कितने बार आते थे? वो तो हम क्या इधर कचरा काम करने वाले, साफ सफाई वाले। तो आपको कुछ मास्क वगैरह या नगर सेविका की ओर से ब्लाउज वगैरह नहीं मिला? आप कचरा साफ करते हो? नहीं मिला। मौत के सामने आप खड़े हो? नहीं मिला। क्या नहीं मिला? नहीं मिला। क्या नहीं मिला? हैंड ग्लोव नहीं मिला, मास्क नहीं मिला है, और कुछ नहीं मिला। हमारा आप घर से यूज खरीद के सामान हम काम करते हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से थाली और दिया जलवाए थे, अब आपके घर में लाइट जल पाएगी? वो भगवान भरोसे, अब हम लोग किसी के भरोसे नहीं, भगवान भरोसे बैठे हैं। 3 महीने तक कोई कारोबार कुछ नहीं, आदमी घर पे बैठा है। तो आप राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे, राज्य सरकार को तो भगवान भरोसे हमने कभी छोड़ दिया, हम खुद भगवान भरोसे हैं, राज्य सरकार से कोई बस हाथ जोड़ते हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से राज्य सरकार हमसे हाथ जोड़ के वोट लेने, कुछ नहीं, एक भी सेवा कुछ नहीं, जो कुछ एक दो बार दिया अशोक सिन्हा ने दिया है वो भी थोड़ा थोड़ा दिया है। हमारा 15 परिवार है जी, उसमें ये भी बोला था कि भारतीय को कुछ मदद मिलेगा राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ भी, कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, हम लोग को कुछ भी उसके अलावा नहीं मिला। तो सर अब स्कूल खुलने हैं, फीस भरना होगा तो अभी वो भरना है, देखा जाएगा क्या होगा, नहीं होगा तो पढ़ना छोड़ा देंगे, फिर क्या करेंगे, अगले साल देखेंगे। स्कूलों से कोई फोन या मैसेज आ रहे हैं? हमेशा मैसेज आता है, फोन आता है, तो क्या करेंगे, क्या कहते हैं, क्या करेंगे, क्या कहते हैं लोग स्कूल वाले? स्कूल वाले बोलते हैं फीस भरो, बच्चे का जो कुछ है वो करो, एडमिशन कराओ, ये कराओ, लेकिन हम लोग कहाँ से करेंगे। नहीं, कभी नहीं करवाए हैं, बोलते हैं उनको फोन करके तो हाँ आएगा आएगा, लेकिन वो आते नहीं हैं। तो अभी क्या किया जाए, तो उनसे हम लोग पूछेंगे, बोलते हैं कि यहाँ से जाओ, भूखे मर जाओ, जो करना करो, वोट तो मांगने आते हैं हाथ जोड़ के, फिर पूछते हम लोग जब वोट मांगने आएंगे तो बोलते कि हमें वोट दीजिए, हम उनसे मांगने जाते हैं तो पूछते कि आप कहाँ से आई हो, तो हम बोलेंगे यहाँ से, तो नहीं वहाँ के नगर सेवक आपको देंगे, वहाँ के नगर सेविका आपको देंगे, तो बताइए कि हम लोग क्या करें इसके लिए। फिर अगर वो आएगा, हम लोग यहाँ पे आएंगे वोट मांगने, तो हम उनके पास चप्पल बरसाएंगे, तो हम भी उनको पूछेंगे कि आप बताइए ना, आपके पास क्या प्रूफ है जो आपके यहाँ नगर सेवक हो सेविका हो, तो हम भी इससे उनसे पूछेंगे ना। थोड़ा बहुत तो नगर सेविका ने भी किया है, जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके लिए, और बाकी हमारे आमदार जो हैं वो घर घर जो है लोगों को मदद किए हैं, जैसे हुआ जो हुआ। और हमारे अशोक सिन्हा जी ने बहुत ही हेल्प किया है लोगों का, मेडिसिन लेकर के, दवा लेके, राशन लेके, ये वो, मतलब उनका बहुत ज़्यादा ये मदद मिला है हम लोगों को। और सैनिटाइजिंग वगैरह का हुआ है कुछ? सैनिटाइजर वगैरह हुआ है, दवा हुआ है, मेडिसिन हुआ है, सभी हो चुके हैं। अशोक सिन्हा जी की तरफ से मुझे बहुत ही मदद मिली, हमारे लोगों को भी बहुत मदद मिली है। और क्या कहना चाहोगे आप अशोक सिन्हा जी के लिए? अशोक सिन्हा जी ऐसे ही बढ़े और ऐसे ही काम करे तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे जी। और हम लोग उनके साथ ही हैं, हमारे लोगों पर बहुत सारे उनका ध्यान रहता है, जो कुछ भी है वो फोन करके पूछ करके हम लोग को लेते देते रहते हैं। लाइट बिल है, 4 महीना का लाइट बिल बाकी है, वो भी नहीं भरा हूँ। तो राज्य सरकार से क्या डिमांड चाहते हो? डिमांड कुछ नहीं, वो क्या देंगे, राज्य सरकार कुछ भी नहीं दे पाएंगे, जो बोलते हैं वो भी नहीं करते हैं, वो क्या देंगे, राज्य सरकार कुछ देने वाला नहीं है। तो यहाँ पब्लिक सब समझ गया है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से और क्या कुछ सेवाएं, सैनिटाइजिंग? कुछ भी सेवा नहीं, किसी के सैनिटाइजिंग कुछ नहीं,
तो बोलता कोई मेडिसिन वगैरह उनके और मेडिसिन जो एक है होम्योपैथिक दवा वो छोटा वाला बोतल वो तीन चार दे के एक आदमी गए थे लक्ष्मी मिश्रा ने दिलवाई थी लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो किसने दिए थे वो यही दिलवाई थी लक्ष्मी मिश्रा ने। क्या उनका नाम पता है देने वालों का के देना चले अशोक सिन्हा जी। और आपको अब आने वाले समय में जो तीन महीने तक कोई कारोबार नहीं रहा और अब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और किससे आस रखते हैं आप? सुनिए, मुश्किल का सामना तो करना ही है या तो मरना ही है। आस रखने का उम्मीद है तो ऊपर वाले से का ही, नीचे वाले का कोई आस नहीं है। नीचे वाले कुछ भी आस नहीं करेंगे ना कुछ मदद करेंगे। आप एक गृहिणी होने के नाते अब आपको स्कूल फीस भी भरनी होगी, लाइट बिल भी, तो क्या कहाँ से होगा ये? तो वही पूछेंगे हम सरकार से। सरकार तो देते हैं बट यहाँ के नेता लोग नहीं देते हैं। आप लोगों को स्कूल से फोन आते हैं? हाँ, स्कूल से मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि फीस भरो फीस भरो। यहाँ हम लोग खुद भीख में मांग के खा रहे हैं तो स्कूल का फीस कहाँ से भरेंगे, लाइट बिल कहाँ से भरेंगे, भाड़ा कहाँ से भरेंगे? तो यहाँ की कोई नगर सेविका साथ नहीं दे रही है ना नगर सेवक साथ दे रहे हैं, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? तो अभी तक घर कैसे चल पाया? तो जैसे चल रहे हैं क्या कर सकते हैं। और भीख को मांगने जाएंगे नहीं 10 बार। किसी कोई इंसान ने सेवा दी है यहाँ पर? सिर्फ अतुल भादकर जी, अशोक सिन्हा जी, बाकी यहाँ के कोई नेता नहीं दिया है। सिर्फ मांगने जाओ तो एक ही जवाब मिलता है, कोई मुँह पे थप्पड़, बाकी कुछ नहीं मिलता यहाँ से। अब मुझे लगता है कि मेरे को तो अभी लाइट बिल का तो नहीं पता, लेकिन मैं ये अपना स्कूल का तो बता सकता हूँ। स्कूल कॉलेज मुझे लगता है कि जहाँ तक हो तो ऑनलाइन ही सबका हो, स्कूल कॉलेज तो खुलना नामुमकिन। तो 3 महीने में कोई कारोबार किए हैं क्या आप? मतलब कोई कारोबार हुआ है आपका, बिजनेस नहीं, हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये कहाँ से भरा जाएगा ये सब? अभी सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो खाली उनका टाइम आता है, हम खाली उनको वोट दे देते हैं और फिर बाकी उनके भरोसे। चुनाव के समय कितनी बार आते हैं आपके जनप्रतिनिधि आपके पास? चुनाव के समय तो हर कोई आता है, पीछे खड़े वाले भी आते हैं, आगे वाले भी आते हैं, लेकिन जीतने के बाद ना आगे वाला आता है ना पीछे वाला आता है। लेकिन फर्स्ट बार मैंने पहला ऐसा नेता देखा जो इलेक्शन में भी आया और ये समय भी आया नहीं, लेकिन हाथ हर जगह पहुँचाया अपना, क्योंकि इतनी महामारी में मुझे लगता नहीं कोई आ सकता है। अब पैसे वाले तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, आप भी जानते हो, आपका काम इसलिए आप आए हो। अशोक सिन्हा जी आते हैं यहाँ? नहीं, आता तो कोई भी नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आता कोई नहीं, लेकिन हाथ सबका पहुँच रहा है। अच्छा, कोई भी नेता नहीं आया? कोई भी नेता मुझे बता दो, आप लोग तो इतना सोशल मीडिया पर दौड़ते हो, कोई नेता आपको दिखा किधर किसी को गरीब को सेवा करते हुए? मुझे तो नहीं लगा, लेकिन खाली हाथ पहुँचा रहे लोगों के पास। जैसे वो आंटी जी देखो कितना सेवा किए हैं, उनके थ्रू पहुँचाया जा रहा है। आंटी जी का नाम क्या है? आंटी जी का नाम लक्ष्मी लक्ष्मी मिश्रा। उनकी धर्म पत्नी ने कितनी सेवाएं दी आप लोगों को? उन्होंने भी बहुत सेवा की है। क्या? जैसे कि ये अपना क्या बोलते हैं, ये हल्दी कुमकुम या सैनिटाइजर वगैरह उन्होंने भी बटवाया है, मास्क वगैरह सिलाई करती थी। उनका नाम क्या है? उनका नाम भी सुनीता ही है, सुनीता सिन्हा जी। तो और कुछ सिलाई वगैरह में कोई मदद किसी को सिखाने में? हाँ, बहुत बहुत, फ्री ऑफ चार्ज सिलाई सिखाती हैं, फ्री ऑफ चार्ज करती हैं। अच्छा। बहुत सारे उनका स्कीम है, जैसे कि ये मद भागवत कथा करवाती हैं और जो मजबूर महिला है उनके लिए राशन पानी कपड़ा लगता सभी कुछ वो करते हैं। उनका बाहर से अशोक सिन्हा दिलवाए थे जी। और क्या क्या दिए उन्होंने? मैं तो गाँव में थी, बच्चे लोग को जो मिला तो भी पता चला हो कुछ? हाँ, जो सबको मिला है राशन पानी। और सैनिटाइजिंग करवाए उन्होंने अशोक सिन्हा ने? करवाए हैं अभी। नगर सेविका ने कोई फोन नहीं आई है हम लोग को देखने? आपके हालचाल पूछने पहुंची नगर सेविका? फोन करके एक रोज पूछी थी। हाँ, फिर आपको कभी दिखी इन 3 महीनों में? हाँ, एक रोज आई थी, वो स्कूल में कैंप लगा था डॉक्टर का। हाँ, तो आई थी जी, घर पे नहीं आई थी, उधर ही से। अच्छा, तो वो चुनाव के समय कितने बार आते थे वो? रोज आते थे मेरे घर में, 15 रोज रुकी थी, 2 घंटा 4 घंटा बैठती थी पहले बार में। और अब कितनी बार आई है आपके पास? अभी नहीं आई। आपके घर में अभी नहीं आई? तो आप एक युवा होने के नाते सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? अभी मांग तो हर किसी का एक ही है कि जल्दी से जल्दी ये महामारी हटे, और जहाँ तक हो महामारी नहीं भी हटे तो कुछ ऐसा कुछ करे कि सबका भला हो।
कि धीरे धीरे करके चालू करें, कुछ जरूरी नहीं है। किस किस किन किन चीजों का भला, अब भला वो क्या कर सकती है, ज्यादा ज्यादा किसी के घर पे पैसा तो पहुंचा नहीं सकते क्योंकि वो भी मांग ही रहे हर किसी से। तो लाइट बिल फीस के लिए क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो मैं यही बोलूंगा, लाइट बिल और जो भारत पे लोग हैं उनके लिए मुझे लगता है कि सरकार को माफ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कोई कोई फांसी लगा दे रहा है पूरे परिवार, कितने लोग ऐसे हैं खाली वही भाड़े की वजह से, खाने पीने की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, दो चीज़ें तो माफ़ कर देना चाहिए, एक भाड़ा और एक लाइट बिल, और कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है पब्लिक को। स्कूल फीस तो जब चालू होगा तो माफ़ करेंगे, जब चालू ही नहीं है तो स्कूल फीस की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज लोगों को जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, किस चीज़ की? फीस भरने के लिए। फीस भरने के लिए आ रहे हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि फिर जब वो सब मैसेज आ रहे हैं तो वो भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जब लाइट बिल और खाने का पैसा नहीं है तो आदमी लाइट बिल कहाँ से भरेगा, फीस कहाँ से भरेगा, जब किसी के पास पैसा ही नहीं है तो किसी के पास। धन्यवाद। ये थी हमारे वार्ड क्रमांक 24 की जनता की आवाज़, क्या कुछ कहना था सुना उन्हीं की जुबानी आपने। आप देख सकते हैं कि ये एक झुग्गी एरिया जिसे स्लम एरिया कहा जाता है, किस तरीके से छोटी छोटी गलियां हैं और किस तरीके से ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के रहवासी किस तरीके से अपने आप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस तरीके से अब आने वाले समय में क्या ये इनको सुविधा दे पाएगी सरकार या जनप्रतिनिधि। जिस तरीके से सुना जनता की जुबानी आपने, कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़ मुंबई।